पाए तो सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन पाए खाने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है और गैस भी बहुत लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी हांडी। आज हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जिससे चंद ही मिनटों में पाए पककर तैयार हो जाएंगे। तो अब आपको अपनी फेवरेट डिश खाने के लिए इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए घंटों में पकने वाले पाए मिनटों में पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पाए अच्छे से वॉश करेंगे। पाए वॉश करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इसके अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो अच्छे से धुल जाएं। यहाँ पर पाए हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब हम आपको पाए जल्दी खिलाने के लिए एक स्पेशल ट्रिक बताते हैं। इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे एक बड़ा चम्मच सिरका। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच पपीता पाउडर। पपीता पाउडर आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा अब इसमें शामिल करेंगे पानी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। जब भी आप पाए पकाएं तो चंद घंटों पहले इस तरह से सिरका और पपीता पाउडर मिलाकर पाए पर लगा लें। इस तरह से आपको प्रेशर कुकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस भी कम लगेगी और पतीले में पाए आराम से पक जाएंगे। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल वैसे भी कम करना चाहिए, इससे खानों का टेस्ट खत्म हो जाता है। इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। इसे कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। अब शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने लिए हैं काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग। पाए में ज्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब शामिल करेंगे 2 अदद स्लाइस किए हुए प्याज। यहाँ पर प्याज को करेंगे अच्छे से ब्राउन। कोशिश करें कि पाए में ऑयल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि पाए में अपना भी ऑयल होता है। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 अदद ग्राइंड किए हुए टमाटर। और अब टमाटरों को प्याज और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 कप दही, और अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे। पाए सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खास तौर पर जिन लोगों को कमर की दर्द या फिर घुटनों में दर्द रहता है, पाए खाने से खत्म हो जाता है। जितना अच्छा आपका मसाला बनेगा, पायों का जायका भी उतना ही अच्छा आएगा। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें शामिल करेंगे पाए। पाए हम मसाले के साथ भून भून कर पकाएंगे।
इस तरह जब आप पाए पकाएंगे तो प्रेशर कुकर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पाए को सिरका और पपीता पाउडर पहले से लगाया था, उससे पाए बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। अब हम पाए में शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। इस दौरान आपने ढक्कन को बिल्कुल भी नहीं खोलना। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पाए तकरीबन तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पाए अच्छे से नरम हो चुके हैं। एक बात याद रखें, शुरू में आपने इसमें गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर शामिल नहीं करना, इससे आपके मसालों का कलर खराब हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ये दोनों मसाले आपने बिल्कुल आखिर में शामिल करने हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है मसालों का। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, मेरा फेवरेट हरा धनिया, 2 से 3 मिनट तक मजीद पकाएंगे जिससे मसाला आयल छोड़ देगा। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। कोशिश करें पाए आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें। इस तरह से अगर आप पाए पकाकर खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट के पाए खा रहे हैं। साथ में आपने देखा कि इनका तरीका पकाने का बहुत आसान है, चंद ही मिनटों में पाए पककर तैयार हो जाते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।